बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉस्मोस फिज़िक्स। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर एंड मोर फिज़िक्स। अच्छा जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। ये जी वीडियो कंटिन्यूएशन में है, क्लासिकल मैकेनिक्स का कोर्स है, उसमें मैंने डिस्कस किया था पहले प्रीवियस टू वीडियोस में मैकेनिक्स ऑफ द पार्टिकल, उसी को ही इसी की कंटिन्यूटी में नेक्स्ट हम मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल में ही डिस्कस करेंगे पोटेंशियल को, और इसी पोटेंशियल को डिस्कस करते हुए हम प्रूव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। पोटेंशियल की जो डेफिनेशन हमारे पास है जी, वो है ये कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। और इफ़ हमारे पास एफ जो है, अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट है, इफ़ एफ बी दी ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो वर्क डन होगा, देन वर्क डन विल बी द इंडिपेंडेंट then work done will be the independent of the physical path taken by particle is that of force be the gradient of some scalar function of position। ठीक है, तो फिर हम इसको लिखेंगे किस तरह से, f इज़ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, और वो स्केलर फंक्शन भी अकॉर्डिंग टू पोजीशन। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि वर्क डन फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू हमारे पास आता है जी f डॉट डी एस, ठीक हो गया, या हम इसको f डॉट डी आर भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, यह है जी वर्क डन फ्रॉम वन टू टू। अच्छा जी, नाउ रिप्लेसिंग हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में हम क्या कर लेंगे, एफ़ की जगह हम माइनस डेल वी डाल देंगे, तो आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम वन टू टू आपके पास आ जाएगा जी माइनस डेल वी इनटू डॉट डी आर, और डेल वी हम आर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, पोजीशन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो इसको फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी वी बाय डी आर इंटू डी आर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा फ्रॉम वन टू टू माइनस डी वी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्मॉल इंक्रीमेंट के लिए अगर इसको मेजर करें तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर हमारे पास वर्क डन फ्रॉम वन टू टू आ जाएगा जी, इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू टू, तो एफ डॉट डी आर, ठीक हो गया। और इसमें फिर हम अगर वैल्यू डाल दें वर्क की, तो आपके पास आ जाएगा जी माइनस ये वन है और टू, और ये आपके पास आ जाएगा जी डी वी, और ये माइनस वी वन टू टू डेफिनेट इंटीग्रल, और फिर आपके पास आ जाएगा जी ये वर्क डन फ्रॉम वन टू टू, ये आएगा जी माइनस वी टू माइनस वी वन, और इसको फिर मैं और किस तरह से लिख सकती हूँ, वन टू टू ये आपके पास आएगा जी वी वन माइनस वी टू। और हम ये भी जानते हैं कि अगर फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम अगर हमारे पास एक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव हो, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमने पिछली वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था, तो हम ये जानते हैं कि उस वक्त हमारे पास वर्क डन फ्रॉम वन टू टू आया था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टी टू माइनस टी वन के इक्वल, तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इनको हम आपस में इक्वेट करेंगे, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये वर्क डन फ्रॉम वन टू टू हमारे पास बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास आया था जी टी टू माइनस टी वन, और एक यहाँ पर हमारे पास आया जी वन वर्क डन फ्रॉम वन टू टू,
इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल तो हमारे पास आया जी वी वन माइनस वी टू। तो हम फिर क्या करेंगे कि इनको आपस में इक्वेट कर देंगे, ये इक्वल आ जाएंगे, तो फिर हम इसको किस तरह से लिखेंगे, टी टू माइनस टी वन इज़ इक्वल टू वी वन माइनस वी टू, या फिर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, टी टू प्लस वी टू इज़ इक्वल टू वी वन प्लस टी वन। ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास यहाँ पर आई है, ये है जी टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट टू, और टोटल एनर्जी फिर इसकी आगे जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट वन। ठीक है, तो मतलब एनर्जी में चेंज नहीं आया, एनर्जी कंजर्व रही है जैसे ही बॉडी ने फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू मूव किया है। तो फिर हम टोटल एनर्जी है ये पॉइंट टू के ऊपर और ये टोटल एनर्जी है पॉइंट वन के ऊपर, तो फिर ये हमारे पास प्रूव हो जाता है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारी वीडियो आज यहाँ तक ही है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।